वेलकम अगेन टू आवर YouTube चैनल JKSSB अड्डा 614। हमारा इंस्टीट्यूट ब्राइट फ्यूचर एकेडमी आपके लिए आज का टॉपिक लाया है सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर, जिसमें कुछ टॉपिक रहेंगे जैसे पैरामीटर, स्टैटिक, और ये देखेंगे कि हम ये एरर कैसे फॉर्म होते हैं, यानी कि अगर कैसे होते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये सबसे पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कुछ पॉपुलेशन के हमने टर्म्स डिस्कस की थी, सैंपल हो गया, तो ये जो नए टर्म्स हैं ये आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी, और डेफिनेट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपको, ये एक क्वेश्चन ग्रांटेड है। तो यहाँ देख लीजिए पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन कहते हैं एंटायर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं पॉपुलेशन। और इसी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की स्टडी मतलब कैलकुलेशन, एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में से यदि जब कोई भी वैल्यू कैलकुलेटेड होके आती है तो उसे क्या कहते हैं हम पैरामीटर, ठीक है, मतलब होल पॉपुलेशन क्या है पूरे एंटायर ग्रुप, इसमें से यदि कोई वैल्यू आ रही है कैलकुलेटेड वैल्यू उसे क्या कहेंगे हम पैरामीटर, ठीक है। उसी तरह भी देखते हैं सैंपल को। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन में से यदि पॉपुलेशन है इसमें से थोड़ा सा पार्ट लिया हमने, उस पर सर्वे करा तो उसका क्या कहते हैं हम सैंपल, ठीक है, यानी कि कुछ हिस्सा लेना पार्ट लेने को उसका, यानी कि सैंपल सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का कोई छोटा सा पार्ट जिसे हमने सिलेक्ट किया है सैंपलिंग के लिए, ठीक है, और उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल उसे क्या कहेंगे हम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी उसकी स्टैटिस्टिक्स। तो उसी तरह इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा बनेगा आपको, तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे हम सैंपल एरर, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू पूरी पॉपुलेशन में से निकल के आ रही है और जो वैल्यू सैंपल में से निकल के आ रही है, ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, और इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं सैंपल एरर। तो इस वीडियो में हमारे टॉपिक रहेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में कह रहे सैंपलिंग और उसके आगे जैसे एरर्स होते हैं सैंपलिंग में, कुछ जब हम सैंपलिंग करते हो तो उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उसमें जो एरर रहेंगे वो रहेंगे मेन टू सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर। तो इसमें हम फर्दर देखेंगे कि ये हैं क्या और ये कब कब अकर होते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे सैंपलिंग एरर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सैंपल एरर है क्या, यानी कि सैंपलिंग एरर है क्या। तो सैंपलिंग एरर है क्या कि ये डिफरेंस है किस किस के बीच में, एस्टिमेट वैल्यू फ्रॉम सैंपल यानी स्टैटिक स्टैटिस्टिक एंड एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम पॉपुलेशन, इसे क्या कहेंगे पॉपुलेशन वैल्यू को पैरामीटर, ठीक है, जब डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इसे क्या कहेंगे हम सैंपलिंग एरर। सिंपल सा फंडा है, अगर नहीं समझ में आता तो सिंपल सा रखना है, ऐसे सैंपल ऐसे स्टैटिस्टिक, अगर याद नहीं होता एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम पॉपुलेशन पी से पॉपुलेशन पी से पैरामीटर, ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर में जो डिफरेंस रहेगा उनके वो वैल्यूज में, तो उसे क्या कहेंगे हम सैंपलिंग एरर। तो अब हम देखेंगे कि ये अक्कर क्यों होते हैं, यानी कि ये आते ही क्यों है, ठीक है, तो इसका जो मेजर रीजन है वो दो ही है यहाँ पे, कहता है द सैंपल इज टू स्मॉल, यानी कि जो हमने सैंपल लिया है वो बहुत छोटा है जो कि एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पॉपुलेशन को, ठीक है, यानी कि हमने पॉपुलेशन तो ले ली, पॉपुलेशन में से सैंपल भी ले लिया, पर इसके कैरेक्टर इससे पूरी तरह मैच नहीं करते, जिसके कारण क्या होगा उनकी वैल्यूज में डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसी के कारण क्या है सैंपलिंग एरर आएगा, ठीक है, ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हमने सैंपल का मेथड लिया वो क्या लिया है, हमने रैंडम नहीं लिया, हमने क्या क्या किया है सिलेक्टिव मेथड यूज किया है, यानी कि सिलेक्शन खुद की है, यानी कि चॉइसेस से, ठीक है, कौन सा मेथड, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, ये कंसेप्ट है हमने पिछले वीडियो में दिखाया है, जिसे देखना हो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हाउ सैंपलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कि वो सैंपलिंग एरर आते हैं तो उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बाय इंक्रीज द सैंपल साइज, यानी कि हमारी जो सैंपलिंग साइज है उसे हमें बढ़ा देना चाहिए, यानी कि अगर हम पहले इसका सीधा रिलेशन जाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग से, ठीक है, जो कि पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग,
सिस्टमैटिक असेंबली में क्या होता है कि हम सिस्टम वाइज चलता है, यानी कि पहले एक पे फिर पांच पे फिर नौ पे ऐसे करते हैं, हमने रैंडम सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। और सैंपलिंग साइज kth एलिमेंट, ठीक है, यानी कि हमें अपना kth एलिमेंट नीचे करना चाहिए, यानी कि जो सैंपल साइज है उसे बढ़ा देना चाहिए। यानी कि अगर हम पहले 50 बंदे लेते थे एक पॉपुलेशन में से सर्वे करने के लिए, तो अब हमें उसे बढ़ाकर 150 या 200 कर देना चाहिए, ताकि हमारे रिजल्ट हैं वो हमें डिफरेंस कम आए, ठीक है, यानी कि हमारा सैंपलिंग एरर है वो ना हो, ठीक है। और दूसरा पार्ट हमारा आता है यहाँ पर पॉइंट बाय यूजिंग रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, यानी कि रैंडमली किसी को उठा ले, ठीक है, और वो सर्वे कर ले, ठीक है, वो सबसे बेटर तरीका है सैंपलिंग एरर से बचने का, ठीक है। तो इसमें एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ है सैंपलिंग एरर्स आर इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल, ठीक है, यानी कि जब हम पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं तो उसमें सैंपलिंग एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन यूज की गई है यहाँ पे सैंपलिंग एरर्स के लिए, सैंपलिंग एरर्स आर इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है आपको। अब हम देखेंगे कि नॉन सैंपलिंग एरर्स को, ठीक है, कि नॉन सैंपलिंग एरर्स हैं क्या, ठीक है। तो नॉन सैंपलिंग एरर्स इनके इसको और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे पब्लिकेशन एरर हो गया, रिस्पॉन्स एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर, प्रेस्टीज एरर, और भी कई सारे इसके नाम है, मेनली इसके चार ऑप्शन में आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये इसके कुछ नाम्स हैं, अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। तो ये अराइज कब होता है, ठीक है, मेनली अराइज कब होते हैं, डाटा कलेक्शन के समय और उसको प्रोसेसिंग जब उसको डाटा की करते हैं उस समय होता है, यानी कि प्रेजेंटेशन के दौरान और ऑर्गेनाइज है तो उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। इसी वक्त हमारा जो नॉन सैंपलिंग एरर्स वो मेजरली अराइज होते हैं। अब हम देख लेते हैं नॉन सैंपलिंग एरर्स को। नॉन सैंपलिंग एरर्स आर मोर सीरियस एरर्स। अब क्वेश्चन है कि इनको मोर सीरियस एरर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जो सैंपलिंग एरर्स होते हैं उनको हटाया जा सकता है कंप्लीट एनोमिनेशन करके, यानी कि कंप्लीट साइंसिस के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, बट जो नॉन सैंपलिंग एरर्स है इनको हटाया नहीं जा सकता आसानी से, ठीक है। एक बार जब कलेक्शन होगी डाटा की तो उसके बाद क्या पता कि वो एरर है कि नहीं है, ठीक है, यानी कि ये छोटे से होते हैं बट लार्ज, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें काफ़ी वेरिएशन से पैदा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अकर क्यों होता है, यानी कि अकरेंस क्यों है। नॉन सैंपलिंग एरर्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रिस्पॉन्स एरर और दूसरा नॉन रिस्पॉन्स एरर्स, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स सीधा मतलब है कि रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नॉन रिस्पॉन्स एरर्स कौन से होते हैं, इफ एन इंटरव्यूअर इज अनेबल टू कॉन्टेक्ट अ पर्सन हु लिस्टेड इन द सैंपल, यानी कि जिस बंदे का हमने सैंपल लेना है जिसका लिस्ट में नाम है, ठीक है, उस बंदे से हमारा कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ, तो वो कौन सा आ गया, नॉन रिस्पॉन्स एरर, ठीक है। एक तो ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, द पर्सन हु लिस्टेड रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड, यानी कि जो बंदा लिस्ट में है उसने रिस्पॉन्ड देने से मना ही कर दिया, ठीक है, इंटरव्यू देने से उसने मना ही कर दिया। और दूसरा रहता है हमारा रिस्पॉन्स एरर, ठीक है। रिस्पॉन्स एरर तीन लेवल पे हो सकता है, एक तो रिसर्चर लेवल पे, दूसरा इंटरव्यू लेवल पे और तीसरा रिस्पॉन्डेंट लेवल पे। रिस्पॉन्ड एरर जो है वो तीन लेवल पे होते हैं, ठीक है, पहला आता है रिसर्चर लेवल पे, ठीक है, दूसरा इंटरव्यू लेवल पे, तीसरा रिस्पॉन्डेंट एरर मतलब रिस्पॉन्डेंट लेवल पे, ठीक है। रिसर्चर लेवल पे क्या क्या एरर आ सकते हैं, ठीक है, इसमें पहला एरर आ सकता है सरोगेट इंफॉर्मेशन एरर, मतलब सरोगेट का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसकी बजाय उसने कुछ और इन्फॉर्मेशन ले आया, ठीक है, रिसर्चर करना कुछ और था उसने कर कुछ और दिया, यानी कि इन्फॉर्मेशन उसने कोई और ला दी, यानी कि सब्स्टिट्यूट इन्फॉर्मेशन लाया उसने, ठीक है। सेकंड आ सकता है मेजरमेंट एरर, ठीक है, मेजरमेंट उसके पास जो टेक्निक है, यानी कि जैसे मतलब उसने टेक्निक जो यूज कर रहा है मेजरमेंट के दौरान वो भी गलत हो सकते हैं, यानी कि ऐसे टेप ले सकते हैं, मेजरमेंट टेप भी होती है, हो सकता है उसकी मेजरमेंट है वही गलत हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है सैंपलिंग फ्रेम एरर, ठीक है, यानी कि उसने जो लिस्ट बनाई है वही गलत हो। डाटा एनालिसिस एरर, ठीक है, जब वो डाटा एनालाइज कर रहा हो सकता है उसमें छोटी सी गलती आ जाए, यानी कि एडिशन में सब्जेक्ट में छोटी सी गलती आ जाए डाटा एनालिसिस के दौरान, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि एरर आ सकता है, और वो कब आता है, रिसर्चर लेवल पे आता है, ठीक है, अपना एरर। फिर एरर्स आते हैं इंटरव्यूअर लेवल पे, ठीक है, इंटरव्यू लेवल पे कुछ एरर आते हैं, जैसे पहला आता है रिस्पोंडेंट सिलेक्शन एरर, यानी कि जिससे हमने सर्वे करना है वो बंदा ही नहीं है, यानी कि किसी और बंदे को ही हमने सर्वे के लिए सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मान ली स्टडी है, हमने स्टडी करनी है किस पे, इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन हेल्थ,
ठीक है, तो हम उसमें किस किन बंदों की सिलेक्शन करेंगे जो ड्रग एडिक्टेड होंगे उनके करेंगे ना, ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि ड्रग एडिक्टेड के बजाय हम किसी और को सर्वे के लिए ले लेंगे, ठीक है, इसमें पैसा एरर रहेगा। यानी कि हमने वो सिलेक्शन किया है रिस्पोंडेंट, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है उसकी सिलेक्शन में एरर है, यानी हमने किसी और को ही सिलेक्ट कर लिया सर्वे के लिए। सेकेंड आता है रिकॉर्डिंग एरर, ठीक है, मान लो कोई बंदा गया सर्वे करने और रिस्पोंडेंट ने आंसर दे दिया भाई, उसने पूछ लिया ऐसे इस बार कितने टन आपका गेहूं निकला, उसने कहा सर 31 टन हमारा गेहूं निकला, ठीक है 31 पॉइंट लिया 31 टन हमारा गेहूं निकला, और जो इंटरव्यूअर था उसने क्या लिख दिया 31 की जगह उल्टा लिख दिया उसने 13, यानी कि रिकॉर्डिंग एरर हो गया, उसने उल्टा लिख दिया, उसने मतलब रिकॉर्ड करने में उसकी गलती हो गई, ठीक है, ये भी एरर आता है। नेक्स्ट आता है चीटिंग एरर। चीटिंग एरर में क्या होता है, बंदे ने पहले सैंपल फ्रेम किया यानी कि लिस्ट बनाई उसकी एक, ठीक है, सभी का नाम लिखे और उसने घर बैठकर ही वर्क दिए, वो घर घर सैंपल लेने नहीं गया, यानी कि किसी से उसने सर्वे नहीं किया डायरेक्ट, वो किसी मिलने नहीं गया किसी से, उसने घर बैठकर ही वो लिस्ट तैयार कर दी, यानी कि चीटिंग एरर कर दिया उसने। नेक्स्ट आता है रिस्पोंडेंट एरर, जिससे हम इंटरव्यू लेने जाते हैं, ये जिससे सैंपल हमने करना है जो रिस्पॉन्ड करेगा, इसमें उस दो टाइप के एरर आता है, पहला था इनएबिलिटी एरर, यानी कि वो बंदा आंसर देने के योग्य नहीं है, उसने आंसर मतलब दिया नहीं है, योग्य नहीं है उस आंसर देने के वो, ठीक है, इनेबल है यानी कि। नेक्स्ट आता है अनविलिंगनेस एरर, मतलब उसने उसकी मर्जी है, उसने आंसर नहीं दिया, उसकी मर्जी है, और जब वो उसकी मर्जी पर उसने आंसर नहीं दिया उसके कारण क्या होगा, सर्वे हमारा रह जाएगा, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें डिफरेंस आएगा और जिसके कारण क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। तो ये कौन से आ गए हमारे, रिस्पॉन्ड एरर्स। तो अब हम देखेंगे ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स है इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, यानी कि इसको कम कैसे करा जा सकता है या खत्म कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है बाय एम्प्लॉइंग क्वालिफाइड ट्रेन एंड एक्सपीरियंस पर्सनल और स्टाफ, यानी कि हमारा स्टाफ होगा वो कैसा होगा, क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो गलती की गुंजाइश है वो ना के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन सुपरविजन, यानी कि सुपरविजन है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि क्रॉस चेक, इसे हम कह सकते हैं क्रॉस चेक, यानी कि जो हमने रिपोर्ट तैयार की, यानी कि जो रिकॉर्ड किया हुआ है जहाँ जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी जो मतलब वैल्यूज हैं वो सही आनी चाहिए, कैलकुलेशन भी सही आनी चाहिए डाटा एनालिसिस के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाई यूजिंग बेटर इक्विपमेंट, यानी कि हम कैलकुलेशन के दौरान जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम यो मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ठीक है, उनकी जो मतलब मेजरमेंट जो मीटर सेंटीमीटर ऐसा होना चाहिए तो वो भी एक्चुअल होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन मोड और मीडियन है ये क्या शो करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज, यानी कि एवरेज भी उनको कह सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को ये शो करते हैं, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन और रेंज है ये शो करते हैं डिस्पर्शन को, ठीक है, यानी कि डिस्पर्स कि कितना फैला हुआ डिस्पर्शन, ठीक है। इसी तरह यहाँ सैंपल एरर और नॉन सैंपलिंग के भी कुछ पॉइंट है, ठीक है। सैंपलिंग एरर क्या होता है, ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, ओनली प्रेजेंट इन सैंपल सर्वे, यानी कि जो सैंपल सर्वे हम करते हैं ये उसी में पाए जाते हैं, नॉट इन कंप्लीट एनुमरेशन, यानी कि जब हम कंप्लीट एनुमरेशन करते हैं उसमें ये ऑब्सेंट होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं हो सकते क्योंकि तब हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट एनुमरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सैंपल एरर नहीं हो सकता, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन सैंपल सर्वे नॉट इन कंप्लीट एनुमरेशन। उसी तरह जो नॉन सैंपलिंग एरर है ये दोनों में आ सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ सैंपल सर्विस एंड कंप्लीट एनुमरेशन, ठीक है, जब हम ये दोनों सर्वे होते हैं सैंपल सर्वे और कंप्लीट एनुमरेशन, यानी कि पूरी पॉपुलेशन का सर्वे, ये दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सैंपलिंग एरर नेक्स्ट आता है, इनको क्या कहते हैं, रैंडम एरर्स भी इनको कह सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सैंपलिंग एरर्स आर आल्सो नोन एज रैंडम एरर्स, ठीक है, और सैंपलिंग एरर को किसे डिनोट किया जाता है, बाय लेटर ई, ऐसे भी रैंडम एरर को सैंपलिंग एरर को शो किया जाता है, ठीक है। उसी तरह नॉन सैंपलिंग एरर को नॉन रैंडम एरर्स, सीधा सीधा नॉन सैंपलिंग नॉन रैंडम एरर। इस पे हम जो क्वेश्चंस बनेंगे इस पे हम अपनी नई वीडियो लाएंगे, ठीक है। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, लाइक द वीडियो, वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।